जो 200, 300, 300 हजार रुपए से कम टैक्स नहीं होते हैं वो कहाँ से देगा। और लिहाजा इस वक्त जो हम एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये इसलिए हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है कि हमारा जो पीएचई डेलीगेटेड वर्कर है ये 25 सालों से जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन सरकार ने इनके साथ इतनी नाइंसाफ़ी की है कि ना तो समय पे वेतन दिया जाता है 50-50, 60-60 महीने का वेतन जो है बकाया पड़ा हुआ है। पिछले दिनों हमारी 25 और 26 को स्ट्राइक जो हुई थी 24 घंटे की काम छोड़ स्ट्राइक हमने उसे 24 घंटे से आगे इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि जम्मू के अंदर पानी की हाहाकार मची हुई थी तो हमने पब्लिक की परेशानी को देखते हुए उसे आगे नहीं बढ़ाया। कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से हमारी बात हुई थी उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपके जल्द ही मसले हल कर दिए जाएंगे लेकिन अभी तक उस पर कोई भी जो है वो सेटिस्फाइड कार्रवाई नहीं हुई है जिससे कि हमें ये लगे कि कुछ गवर्नमेंट सीरियस है। कुछ फाइलें जो हैं वो सेक्रेटरी के अंदर पहुँची हैं लेकिन जो तकरीबन डिपार्टमेंटली काम बहुत जो ढीला चल रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो SRO 2 साल पहले आपने निकाला हुआ 520 उस SRO के तहत जो रेगुलाइजेशन है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। दूसरा जो फर्स्ट डेट ऑफ एंगेजमेंट है उसको फर्स्ट वोचर के हिसाब से कंसीडर किया जाए वो जब से किसी ने सर्विस ज्वाइन की है वो कंसीडर होनी चाहिए और पर मंथ वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए। अगर 20 मई तक सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती और हमारे मसलों का हल नहीं किया जाता तो 21 मई को हम चीफ इंजीनियर कार्यालय का घेराव करेंगे और जबरदस्त तरीके से करेंगे और इसको जितनी भी जिम्मेदारी होगी वो PHE एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। इसके लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। धन्यवाद।